अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान जिले के 4 प्रखंड में बुधवार को बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। सदर अनुमंडल कार्यालय SDO रामबाबू बैठा की निगरानी में मैरवा व गुटनी तथा महाराजगंज अनुमंडल कार्यालय में SDO संजय कुमार की अध्यक्षता में भगवानपुर व बसंतपुर प्रखंड का चुनाव कराया गया। इस दौरान किसी को लॉटरी के माध्यम से पद मिला तो किसी ने अपने विरोधी प्रत्याशी को मतदान में पराजित करते हुए जीत हासिल की। चुनाव को लेकर पूरे दिन अनुमंडल कार्यालय में गहमा गहमी बनी रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैरवा में जहां वीरेंद्र भगत कुल 12 में से 10 मत लेकर प्रखंड प्रमुख बने, वहीं प्रतिद्वंदी श्री प्रकाश राम को मात्र 2 मत मिले, जबकि चंदा देवी ने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल करने में कामयाब रही। गुटनी में विंध्यावासिनी नारायण सिंह को जहां 8 मत प्राप्त हुए, वहीं प्रतिद्वंदी विनीत नाथ तिवारी को कुल 6 मत मिले। इस प्रकार विंध्यावासिनी नारायण सिंह ने प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया, जबकि उप प्रमुख पद के लिए प्रभावती देवी व रविन्द्र प्रसाद ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने पर प्रभावती देवी को उप प्रमुख चुन लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैरवा प्रखंड के प्रमुख पद पर वीरेंद्र भगत चुने गए। इससे पूर्व सदर SDO रामबाबू बैठा के चैम्बर में मैरवा व गुटनी प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। इसके उपरांत प्रखंड प्रमुख का चुनाव कराया गया। मैरवा प्रखंड के कबीरपुर पंचायत के BDC सदस्य वीरेंद्र भगत तथा भबनैली पंचायत के BDC सदस्य श्रीराम ने प्रमुख पद के लिए पर्चा भरा। इसमें वीरेंद्र भगत को 10 वोट मिले, जबकि श्रीराम को मात्र 2 वोट से ही संतोष करना पड़ा। वहीं उप प्रमुख पद के लिए चंदा देवी को 9 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंदी सुमन देवी को 3 मत मिले। प्रमुख बनने के बाद वीरेंद्र भगत ने कहा कि सम्मिलित प्रयासों से प्रखंड क्षेत्र का विकास किया जाएगा। महाराजगंज अनुमंडल के बसंतपुर व भगवानपुर में बुधवार को प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ। महाराजगंज अनुमंडल में SDO संजय कुमार की देखरेख में प्रमुख व उप प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। भगवानपुर प्रखंड में मतदान के द्वारा प्रखंड प्रमुख का चुनाव हुआ। लॉटरी के माध्यम से कन्हैया यादव बसंतपुर के प्रखंड प्रमुख चुने गए। SDO ने बताया कि बसंतपुर प्रखंड प्रमुख के चुनाव में कन्हैया यादव को 6 एवं रामपति देवी को 6 मत प्राप्त हुए। दोनों के मत बराबर रहने के कारण लॉटरी से निर्णय लिया गया। इसमें कन्हैया यादव के पक्ष में लॉटरी आने से उसे अधिक मानकर विजयी घोषित किया गया। बस उप प्रमुख बने रामपति देवी को 7 व प्रतिद्वंदी सीता देवी को 5 मत मिले। इधर भगवानपुर प्रखंड के निर्विरोध प्रखंड प्रमुख अशोक पासवान व उप प्रमुख श्याम किशोर सिंह उर्फ मुन्ना भी निर्विरोध चुने गए। चुनाव जीत का प्रमाण पत्र लेकर SDO कार्यालय परिसर से बाहर निकलते ही समर्थकों ने फूलमालाओं से लाद दिया। जीत से उत्साहित समर्थकों ने जीत के नारे भी लगाए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया। इससे पहले SDO ने बसंतपुर व भगवानपुर प्रखंड के 9 निर्वाचित 40 BDC सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।